केले को बीच में से दो भाग करके उसमें इलायची दबाइए, इलायची केले के अंदर। फिर उसको आप कुकर में पानी भर दीजिए, ये छिलके सहित है, छिलका थोड़ा सा ऐसे उपाड़े और बीच में उसमें इलायची गाड़ दें, फिर छिलके से उसको बंद कर दें और उसको धागे से लपेट दें उसको। फिर केले को कुकर में डाल दीजिए, कुकर को आग के ऊपर चढ़ा दीजिए, खूब खोल जाने दीजिए। फिर कुकर को धीमे से खोल लीजिए, एकदम खोलोगे तो वो विस्फोटक होता है, थोड़ा धीमे धीमे चिमटे से पानी में से केला को निकाल लीजिए। जो उसमें आपने इलायची गाड़ दी थी उसमें से इलायची निकाल करके खा लीजिए, जिंदगी में मुंह में कभी छाले नहीं होंगे, ये गांठें नहीं फूलेंगी, गलगंड की बीमारी नहीं होगी। बहुत लोगों के छाले निकले ही रखे रहते हैं, उनको सूजन बनी ही रहती है, छाले ही हो जाते हैं मुंह में, उसके लिए जबरदस्त दवाई है। मैंने कभी धर्म यात्रा कार्यक्रम में भी इसका जिक्र किया है। केले के अंदर गड़ी हुई इलायची इतनी बड़ी प्रभावशाली हो जाती है, जीवन में कभी छाले ही नहीं होंगे मुंह में, गंसुआ नहीं फूलेंगे, हमारी देहाती भाषा में ये नहीं निकलेंगे। जिंदगी में इस इलायची का प्रयोग लेने से जीवन में कभी गला नहीं बैठेगा, भगवान की कृपा से हमारा गला बैठता नहीं है, अब तो वो इतना पक्का हो गया है, अब गला है, जब गली थी तब भी नहीं बैठता था, क्योंकि ये मैंने कई बार लिया है। गले के लिए शंख पुष्पी ब्राह्मी, ब्राह्मी बहुत फायदा करती है, ब्राह्मी के द्वारा तो वाक सिद्धि हो जाती है, लेकिन इसको लेना बड़ा कठिन है। पर अभी पुख नक्षत्र पड़े बहते हुए पानी में, अभी इतनी चीजें इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताता हूँ कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, पानी बड़ी जोर से धार चल रही हो और मेरे कहने से वहां कोई खड़ा हो जाए और वो लेकर के ले जाए प्रभाव में, तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। पानी में यहाँ तक बिल्कुल डूब करके, बिल्कुल यहाँ तक डूब करके, और उस समय यदि ब्राह्मी लिया जाए तो वाक सिद्धि हो जाती है, वाणी सिद्ध हो जाती है। इतनी बड़ी औषधि है ब्राह्मी जो वाक सिद्ध कर देती है। उसके लिए कुछ मुहूर्त हैं।